किशनगंज में कुछ टीचरों की कारगुजारी से शिक्षा विभाग शर्मसार है, जिसको लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन जबरदस्त हलचल चल रही है। ऐसे मनचले टीचरों के खिलाफ युवाओं ने मुहिम छेड़ दी है, जिसका असर अब दिखने लगा है। शिक्षा विभाग में खलबली है। ठाकुरगंज के BDO राम पासवान ने औचक निरीक्षण का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। प्रखंड के दूध ओटी पंचायत के अमल झाड़ी में कदम पड़ते ही खलबली है। गौरतलब है कि ये स्कूल पिछले कई दिनों से चर्चा में है। अमल झाड़ी मिडिल स्कूल में फर्श पर पढ़ाई होती है, नियमित स्कूल का संचालन नहीं है। समय पर बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिलना बड़ी समस्या है, जिसको लेकर ग्रामीण बेहद नाराज थे और पिछले दिनों स्कूल में आ धमके थे, जिससे नाराज एक स्कूल टीचर ने बड़ा बवाल मचाया, जिसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। गौरतलब है कि ठाकुरगंज का ये इलाका आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा है, जहां पर बच्चों का भविष्य इन्हीं स्कूलों पर टिका है। अब सरकारी कर्मी पढ़ाने के बजाय आराम ही फरमाए तो बच्चों का क्या होगा। ये जागरूकता का असर है कि BDO ने खुद स्कूल का दौरा किया है, खामियां मिलने पर कमियों को दूर करने की हिदायत भी दी है। दूसरे जो गार्जियन जो होते थे, दूसरा जो लोग होता था, वो भी नतमस्तक हो जाता था। कम से कम ये सम्मान जो है, मतलब कि लौटने का तो बात ही छोड़ दी, कम से कम है कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो चीज को मेंटेन रखे। दूसरा आदमी जो है, टीचरों का इतना इज्जत होता था, दूसरा आदमी जो है अच्छा अच्छा आदमी जो खड़ा रहता था और मतलब शिक्षक जो है कुर्सी पर बैठते थे और उनके सामने हिम्मत भी नहीं करता था बैठने का। क्यों? क्योंकि गुरु जी हैं, मास्टर हैं। तो कम से कम है कि ये सम्मान बरकरार रखने के लिए हम लोगों खुद में जो पहले सुधार लाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात ये है कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बच्चा को यही पता नहीं है कि बच्चा किस क्लास का है, कौन सा क्लास, उस क्लास में कौन कौन सा विषय पढ़ाई होता है। कल जब विषय जानेगा तब तो चैप्टर जानेगा, जब विषय ही नहीं जान रहा है तो चैप्टर क्या जानेगा। हिचकिचाता नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए सरकारी स्कूल में जो नवोदय का तैयारी वारी करके अगर कोई नवोदय में एडमिशन लेना चाहे तो ले पाएगा, ये भी बच्चा कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। ये सब बच्चा भविष्य अंधकार में, खास करके किसका वहां से तैयारी करना पड़ता है। जिसके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेता है, लेकिन ये तो गरीबों का बच्चा है, जो मजदूर है, जो जो है किसान है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो मिहाज गरीब आदमी। नवोदय के बारे में सर अभी हम लोग सर से डिस्कस किए, इस बार 10 तो कम से कम भरवाना, तो हम लोग तो फॉर्म भरवा देते हैं सर, लेकिन विशेष तैयारी निकलेगा तब ना, तो हम लोग पढ़ाई नहीं होता है, तैयारी नहीं होता है। आपका फोर वाला बच्चा को 1, 2, ABC नहीं आता, आप बोलते नवोदय की बात करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, अब जो है 1 से 20 तक नहीं आता, ABC तक नहीं आ रहा है।